वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं अमरदेव सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमसे ये सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाउ टू ट्रेड निफ्टी ऑप्शंस तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन सक्सेसफुली ट्रेड निफ्टी ऑप्शंस लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट मिस टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस निफ्टी फिफ्टी वन ऑफ़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है और इसमें आप वीकली ऑप्शन्स मंथली ऑप्शंस और मंथली फीचर्स ट्रेड कर सकते हैं लेकिन निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन ट्रेड करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है टू बिकम सक्सेसफुल सबसे पहले टेक्निकल टूल्स में आप टेन डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी के डेली चार्ट पे इस तरह से प्लॉट कीजिए और आप ये देखिए कि निफ्टी का जो ट्रेंड है डेली चार्ट पे वो क्या है अप है डाउन है कि साइडवेज है उसके बाद आप एमए हिस्टोग्राम को निफ्टी के डेली चार्ट पे प्लॉट कीजिए और इस तरह से उसका ट्रेंड देखिए जब निफ्टी पे टेन पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एम हिस्टोग्राम में दोनों में सेम ट्रेंड आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू विल गेट सम वेरी गुड ट्रेड्स तो जब आपने डेली चार्ट्स पे देख लिया कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है अप है डाउन है या साइडवेज है तो सपोज डेली का ट्रेंड अप का है तो आप एंट्री और एग्जिट के लिए फिफ्टीन मिनट्स चार्ट या फाइव मिनट्स चार्ट यूज कर सकते हैं उसमें आप क्या कीजिए कि बोलिंजर बैंड्स को 15 मिनट्स चार्ट पे या 5 मिनट चार्ट पे प्लॉट कीजिए जिस भी टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल हैं ट्रेड करने के लिए तो फॉर एग्जाम्पल आपने 15 मिनट्स चार्ट पे बोलिंजर बैंड प्लॉट किया है और डेली का ट्रेंड अप है तो आप बाइंग ऑपरचुनिटीज खोज रहे हैं तो जब 15 मिनट्स चार्ट पे निफ्टी बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे क्लोज होता है और फिर उसके बाद बोलिंजर बैंड जो है उसके लोअर बैंड के अंदर क्लोज होता है तो दैट कैन बी कंस्टूड एज अ बाइंग ऑपरचुनिटी इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आर एस आई फोर्टीन पीरियड आर एस आई भी फिफ्टीन मिनट्स पे आपने प्लॉट कर दिया और जब आर एस आई की वैल्यू थर्टी के नीचे जाती है जिसे ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है और फिर वो वापस थर्टी के ऊपर आती है सो दैट ऑल्सो कैन बी एन एडिशनल बाय सिग्नल फॉर यू तो आपने देखा कि बोलिंजर बैंड जो है उसके लोअर बैंड के नीचे क्लोज हो रहा है निफ्टी और उसके बाद फिर बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो रहा है सो दैट इज द फर्स्ट सिग्नल साथ में आर भी यदि ओवरसोल्ड से फिर वापस आ रहा है थर्टी के ऊपर सो दैट अगेन कैन बी एन एडिशनल कन्फर्मेशन तो इस तरह से आप निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं ऑन द बाइंग साइड तो अब सपोज फॉर एग्जांपल निफ्टी का डेली चार्ट पे आपने देखा कि ट्रेंड डाउन है तो आपको क्या करना है आपको 15 मिनट्स पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना है या 5 मिनट्स पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो यहाँ हम लोग 15 मिनट्स का फिर एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 मिनट्स पे आपने बोलिंजर बैंड प्लॉट किया है और निफ्टी जो है वो बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के बाहर क्लोज करता है और फिर उसके बाद बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के अंदर क्लोज करता है सो तो दैट कैन बी अ सेल अपॉर्चुनिटी और साथ में आप 14 पीरियड आर भी आपने 15 मिनट्स पे लगा रखा है वो भी यदि ओवरबॉट में जाता है जिसे 70 के ऊपर कहते हैं और फिर वो 70 के नीचे आता है सो तो दैट अगेन इज कॉन्स्ट्रूड एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो वो फर्दर कंफर्मेशन आपको देता है तो ये एक स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो चार्ट्स पे जो इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं वो आप कैश निफ्टी स्पॉट यूज कर सकते हैं या निफ्टी फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं तो ये तो मैंने आपको कुछ टेक्निकल टूल्स बताए किस तरह से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं लेकिन कुछ और मैं आपको प्रो टिप्स दूंगा जिससे आप निफ्टी में बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए एक सेपरेट वॉच लिस्ट बना लीजिए सिक्स सेवन जो निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस हो गया एच बैंक है एच डी एफ सी है आई बैंक हो गया टी सी एस है इन्फोसिस है एस बी आई है एक्सिस बैंक तो ये सब सेवन एट जो स्टॉक्स हैं इनका आप एक सेपरेट वॉच लिस्ट बना लीजिए क्योंकि ये जो सेवन एट स्टॉक्स हैं इनका निफ्टी में वेटेज ऑलमोस्ट फिफ्टी है तो आप जब भी इस वॉचलिस्ट को देखेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं पहला दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इस तरह से आप जो ओवरऑल सेक्टर्स हैं जो निफ्टी फिफ्टी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो एक शॉट में आप इस तरह से इस पेज पे जब आप जाते हैं तो आप निफ्टी के जो सारे सेक्टर्स हैं ओवरऑल मार्केट का सेंस आपको एक बार में मिल जाएगा इसके बाद आप वॉचलिस्ट में निफ्टी पे क्लिक करते हैं और जब आप उस पेज को स्क्रॉल अप करते हैं तो आपको टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स डेटा मिलता है और यहाँ आप रियल टाइम ट्रेंड्स इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स निफ्टी का वो भी देख सकते हैं और जब आप यहाँ डेरिवेटिव्स पे क्लिक करते हैं तो आप निफ्टी में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कितना है वो देख सकते हैं यहाँ पुट कॉल रेशियो जो हाईएस्ट स्ट्राइक्स है निफ्टी के कॉल का और पुट का उसका पीसीआर जिसे कहते हैं पुट कॉल रेशियो वो आप देख सकते हैं और इसके अलावा जब आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो आपको जो ऑप्शंस का निफ्टी ऑप्शंस का पूरा डेटा मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपायरी आप जिस भी एक्सपायरी का देखना चाहेंगे आपको ओ चेंज प्राइस चेंज साथ में आपको आई वी एम्प्लाय इसके अलावा आपको ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा गामा थीटा वेगा इनकी वैल्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है जिसे आप यूज़ करके बेहतर तरीके से निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स डेटा के बारे में निफ्टी ऑप्शंस के बारे में बताया है उसे आप यूज़ करके बेहतर तरीके से निफ्टी ऑप्शनस ट्रेड कर सकते हैं और uh, मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें टिल वी मीट अगेन हैप्पी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन securities मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स carefully बिफोर इन्वेस्टिंग